भारत इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूं वरुण पटेल इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में हम सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज पंप कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में मैंने इन टॉपिकों को कवर किया हुआ है फर्स्ट तो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट वर्किंग ऑफ द सिंगल स्टेज पंप उसके बाद में मल्टी स्टेज पंप कैसे काम करता है इसके बारे में बताऊंगा एंड लास्ट में हम लोग फैक्ट्रीज के बारे में जानेंगे जो कि पंप की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक ताकि आपको ये पंप कैसे काम करता है उसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाई जस्ट क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन जो कि आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले तो पंप क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है तो सेंटिफिकल पंप अगर आप कोई भी रिफाइनरी हो गया मीन्स जो भी प्रोसेस प्लांट है जैसे कि रिफाइनरी है ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है पेट्रोकेमिकल प्लांट है पावर प्लांट है एग्रीकल्चर जहाँ पे एग्रीकल्चर जैसे अपना वाटर इरीगेशन पंप है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है एंड डेस्टिडेशन बिल्डिंग हर जगह पे आपको सेंटिफिकल पंप देखने को मिलेगा सेंट्रिवल पम्प इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कहीं पे भी मतलब आपको जहाँ पे भी फ्लूड को मूव करना है लिक्विड को मूव करना है आपको सेंट्रिफिकल पंप की ज़रूरत पड़ती है जैसे एग्रीकल्चर में हो गया बोरवेल well हो गया तो सबमर्सिबल पंप वो भी टाइप ऑफ सेंट्रिफिकल पंप है और रिफाइनरी ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म उसमें तो जहा जहाँ पर भी हम लोग लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं वहाँ पर सेंट्रिफिकल पम्प यूज होते हैं मेनली जब एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में फ्लूड ट्रांसफ़र करना होता है या तो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन हो गई जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कैसा है कि जो रिफाइनरी नॉर्थ में जो रिफाइनरी चलती है जैसे बठिंदा रिफाइनरी हो गई बिना रिफाइनरी हो गई ये सबको जो क्रूड ऑयल मिलता है वो वेस्टर्न कोस्ट पर जितने भी मतलब वेस्टर्न कोस्ट जहाँ पे इनके टर्मिनल्स हैं वहाँ से क्रूड पम्प होते हुए उधर तक पहुँचता है तो ये सारी जगह पर सेंट्रफिकल पम्प यूज़ में होते हैं बेसिकली जो प्रोसेस प्लांट है उसमें जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसको आप दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो एक तो पहले रोटरी और दूसरा स्टेटिक ये दो जो कैटेगरी है उसमें सारे के सारे इक्विपमेंट फॉल होते हैं जैसे रोटरी के अंडर आपके हो गए सारे पंप्स आ गए कंप्रेसर आ गए टर्बाइंस आ गए फैंस आ गए ये सारे रोटरी के अंदर में आएंगे वायरेज जो कि वेसल कॉलम एक्सेंजर फिल्टर्स ये सारी चीज़ें वो स्टेटिक इक्विपमेंट के अंदर में आएंगी तो सर्टिफिकल पम्प इज़ अ पार्ट ऑफ रोटरी इक्विपमेंट तो जहाँ पर रोटरी डिसिप्लिन होती है वो लोग सर्टिफिकल पम्प का सिलेक्शन से लेके मेंटेनेंस का वो सब करते हैं तो सर्ट्रिफिकल पम्प का डेफिनेशन क्या है किसको हम सर्ट्रिफिकल पम्प बोलते हैं अभी पम्प क्या है एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है इट्स मेड ऑफ वेरियस कंपोनेंट दैट पुट टुगेदर एंड मेक अ वन असेंबली तो ये एक मैकेनिकल आइटम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट यूज़ होते हैं जैसे कि इम्पिलर हो गया बैरिंग्स हो गया कैसिंग हो गया ये सारे पार्ट मिल एक पम्प बनता है सो बेसिकली इट्स अ पीस ऑफ रोटरी इक्विपमेंट जिसका फंक्शन क्या है तो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड में इसका क्या मतलब हो गया लॉजिकली मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो आप मोटर से जो एनर्जी आती है मोटर से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हो काइनेटिक एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी जो यूज़ होती है उस वो एनर्जी फ्लूड का प्रेशर में मतलब आप हाई प्रेशर पंप होते हैं वहाँ पे आपको इजीली देखने को मिलेगा जैसे पंप नॉर्मल उसका इंटेक रहेगा वाटर टैंक में से बट जो आउटपुट आता है वो वेरी हाई प्रेशर से आता है तो ये कैसे होता है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर हेड में तो दिस इज द बेसिकली फंक्शन ऑफ सेंट्रिफिकल पंप अभी इसका वर्किंग कैसा है तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है जो कि इम्पिल मतलब लिक्विड है वो पाइप से अंदर आता है ये अपना सक्शन पाइप है वो आता है इम्पिलर आई में ये जो पोर्शन है उसको इम्पिलर बोलते हैं और ये है इम्पिलर आई तो ये मोटर है अपना ये ड्राइव करता है ये मोटर अपना काइनेटिक एनर्जी थ्रू शाफ्ट यहाँ पे ये बैरिंग हाउसिंग है यहाँ से ये शाफ्ट के थ्रू ये इम्पिलर को मिलता है यहाँ पे देखिए मैंने ये जो आउटर कैसी है उसको हाइड किया हुआ है तो हमको इसका इंटरनल पार्ट्स देखने को मिल रहा है तो जैसे ये रोटेट होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा मतलब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा वैक्यूम तो नहीं बोलूंगा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लूड है वो यहाँ पे जो सेक्शन में जो फ्लूड है वो उसको लो प्रेशर एरिया में जाने की ट्राई करेगा मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है उसको पुश करेगा तो ये लिक्विड यहाँ पे इम्पिलर में आएगा इम्पिलर में कैसा होता है वैन्स होती है एक डिज़ाइन होता है पर्टिकुलर का वो वैन्स क्या करती है जो यहाँ से लिक्विड आ रहा है उसको आउटर साइड में मतलब ऐसे घूम रहा है तो उसको आउटर साइड में पुश करेगा और आउटर साइड में क्या होता है कि जो पंप की बॉडी है उसको वॉलेट कैसिंग टाइप बॉडी होती है वो स्पेशली डिज़ाइन होती है तो क्या होता है कि जैसे फ्लूड यहाँ पे आता है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है मतलब ये घूम रहा है तो यहाँ पर आपको जो फ्लूड आ रहा है उसकी वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में डिफरेंस होता है तो ये वैन का फंक्शन क्या है यहाँ पे इम्पिलर की वैन एंड जो वॉलेट केसिंग है तो जो वेलोसिटी को है उसको प्रेशर हेड में स्टेटिक हेड में कन्वर्ट करता है तो यहाँ से वो पुश होता होगा केसिंग में आएगा और केसिंग से वो थ्रू यहाँ पर एक वैन का जो डिजाइन होती है उससे वो डिस्चार्ज फ्लेंज की तरफ जाएगा तो बेसिकली ये इसका फंक्शन यही है मोटर ड्राइव करती है यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एनर्जी ट्रांसफर होकर लिक्विड बाहर आता है तो ये सिंपल सा सेंट्रवेल पंप का वर्किंग हो गया अभी यहाँ पे देखिए ये जो एक और मॉडल है यहाँ पे मैंने उसको दिखाने की कोशिश की हुई है यहाँ पे एक्चुअली ये वर्किंग मॉडल है देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है थे? ये जो इनलेट है जैसे इम्पिलर आई जिसको मैं आपको बता रहा था यहाँ से ये जो अपना लिक्विड आ रहा है लिक्विड आने के बाद ये जो इम्पिलर में घूम रहा है इम्पिलर आई है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये घूमते हुए ये वैन्स में आता है ये पंप की बॉडी है आउटर बॉडी जिसको गाइड वैन बोलते हैं तो इसकी डिज़ाइन बेसिकली क्या होती है जो यहाँ से लिक्विड निकल रहा है उसकी जो वैलिसिटी है उसको कम करके उसका प्रेशर में उसको एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो यहाँ से वो गाइड होकर डिस्चार्ज से निकल जाता है ये वॉलट है उसका हाउसिंग को भी बोलते हैं और डिफ्यूज़र कैसे भी बोलते हैं इसको सो दिस इज़ हाउ पूरा जो फंक्शन है पंप का चलता रहता है यहाँ पे देखिए उसका बेसिकली कन्वर्जन कैसे होता है ये बर्नोली इक्वेशन पे काम करता है जैसे यहाँ पे ये इम्पिलर है ये पोर्शन देखिए यहाँ पे जो एरिया है ये देखिए ये एरिया यहीं पे आप ये एरिया और उसके बाद में ये एरिया तो अभी यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है ठीक है एरिया वाइज यहाँ पे देखिए चेंज हो रही यहाँ पर जो है एरिया लेस है और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा ठीक है यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो अभी क्या होगा वेलोसिटी को कम होना है तो एनर्जी जो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है उससे एनर्जी को किसी और फॉर्म में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा तो क्या होगा वो उसका स्टेटिक हेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका मतलब है कि इसका जो प्रेशर हेड है वो बढ़ जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है उसका जस्ट स्मॉल पोर्शन जो हमारे के हमारे यूजफुल है उतना ही दिखाया हुआ है मैं यहाँ पे आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ये इम्पिलर आए है ये बड़ा वाला ये तो शाफ्ट का की होल है ठीक है ये इम्पिलर आई नहीं ये जो पोर्शन है ये इम्पिलर है यहाँ पर लिक्विड एंटर होता है यहाँ पर ये पोर्शन जो है यहाँ पर लिक्विड एंटर होता है और ये जो वैन्स है ये देखिए इंटरनल वैन्स है ये लिक्विड को गाइड करती है इस चैनल के अंदर और यहाँ पे जो भी एनर्जी कन्वर्जन होना है वो यहाँ पे हो जाता है और यहाँ से जो लिक्विड एंटर होता है वो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी देखिए इसका सेप भी जो है वो स्पेशली डिजाइन है तो ये क्या करेगा जो फर्दर बूस्ट करेगा मतलब एरिया फर्दर बढ़ रहा है तो क्या होगा वेलोसिटी फर्दर कम होगा कैनेटिक एनर्जी वो उसका स्टेटिक हेड में कन्वर्ट होता जाएगा और आपको जो डिजायर्ड आउट प्रेशर वो मिलेगा तो बेसिकली ये था जो सर्टिफिकल पम्प का प्रिंसिपल का अभी मेरा एक और टॉपिक कवर करना बाकी है उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे सेंटिफिकल पम्प का पूरे का पूरा कोर्स है जो सात घंटे का है इसमें आप सेंटिफिकल पम्प का प्रिंसिपल ऑपरेशन डिज़ाइन के बारे में जान सकते हो अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो जो ज़्यादा जानना चाहता है वो इस कोर्स को जाके देख सकता है अभी मल्टी स्टेज वर्किंग ऑफ सर्टिफिक मल्टी मल्टी स्टेज जो पम्प यहाँ पर देखिए ये सिंगल स्टेज पंप है जो मैंने आपको आपको एक्सप्लेन कर दिया ये अपना सेक्शन है ये इम्पिलर है यहाँ से वो ड्राई होकर हो के ये शाफ्ट है शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और ये डिस्चार्ज है अभी ये जो है ए पी का बिटवीन बैरिंग मल्टी स्टेज पम्प है इसमें फंक्शन कैसे होता है तो यहाँ पे जो एक बार प्रोसेस होती है वहाँ पे हर बार मल्टीप्लाई होती है तो इस पर जो आउटपुट प्रेशर मिलता है आपको वो बहुत ज़्यादा होता है तो जहाँ पे आपको हाई हेड चाहिए मतलब लिक्विड को आपको बहुत दूर तक भेजना है मतलब हाई प्रेशर पे भेजना है तो आपको मल्टी स्टेज पम्प की जरूरत पड़ती है इसमें क्या होगा जैसे सक्शन है यहाँ से लिक्विड आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट कन्वर्जन होगा ठीक है अभी जो इसका जो आउटपुट है मतलब फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है वो सेकंड स्टेज का इनपुट हो रहा है सिमिलरली ये सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट है वो थर्ड स्टेज का इनपुट हो रहा है दैट वे ये मल्टीप्लाई होता जाता है हर बार एनर्जी जो है वो उसकी बढ़ती जाती है तो जहाँ पे आप एग्जिट पे यहाँ पे डिस्चार्ज नोजल में आएगा फ्लूड तब तक यहाँ पे दोनों का प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो दिस इज़ हाउ बेसिकली क्या है कि वर्किंग तो सेम ही है बट क्या है मल्टीपल टाइम है तो यहाँ पे मल्टी स्टेज पम्प का वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो पम्प परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं तो सबसे पहले सक्शन प्रेशर अभी सक्शन प्रेशर कैसे इम्पैक्ट करता है तो सक्शन प्रेशर में कैसा है कि जो प्रेशर आप बेसिकली देखिए अब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब जो इनलेट प्रेशर है वही आउटलेट प्रेशर होगा पम्प चल नहीं रहा था तो अगर आपका सक्शन प्रेशर ज़्यादा है तो आपका जो डिस्चार्ज पे ज्यादा है प्रेशर ज़्यादा रहेगा डेफिनेटली सीधा सीधा हिसाब है तो अभी जैसे पम्प घुमाते हो आप पम्प को चलाते हो तो क्या होगा कि सक्शन प्रेशर में ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सक्शन प्रेशर से आगे एनर्जी को बूस्ट करेगा और दूसरा कैसा होता है कि सक्शन पे पर, अगर सक्शन प्रेशर आपका जो कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक एक कैविटेशन करके एक इश्यू होता है ठीक है जो यहाँ पे मैंने देखा है अगर सक्शन प्रेशर आपका जो डिजायर्ड फ्लो रेट है और जो रिक्वायरमेंट है पंप के डिजाइन उससे कम हो जाता है तो ये कैविटेशन नाम का एक फिनोमिनल है जो पंप को डैमेज करता है वो स्टार्ट हो जाता है दैट्स वाई सक्शन प्रेशर इंपॉर्टेंट है सेकेंड है रेट एट द सक्शन जैसे जैसे पंप का कैसा है कि पंप में इनिशियली आपको फ्लो रेट अगर आपका जो डिजाइन है तो आपका फ्लो रेट और डिस्चार्ज का दोनों का मैच होना चाहिए अगर आपका फ्लो रेट जो सक्शन पे है वो कम हो जाएगा तो सीधा उसका इफेक्ट होगा आपका डिस्चार्ज के ऊपर और दूसरा पंप के जो वर्किंग है उसके ऊपर इफेक्ट होता है तो ये सेकेंड है फ्लोरेट अगर फ्लोरेट कम है तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा सीधा सीधा पंप का परफॉर्मेंस भी इफेक्ट आएगा क्योंकि आपका एनर्जी कन्वर्जन पूरी तरह होगा नहीं थर्ड पॉइंट जो है पम्प परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है वो विस्कोसिटी विस्कोसिटी मतलब जो लिक्विड होता है वो कितना उसका जो विस्कोसिटी है नॉर्मली जो सेंट्रिफिकल पम्प है उसकी डिज़ाइन फाइव हंड्रेड सेंट तक के जो फ्लूड होते हैं उसी तक होती है उससे से आगे उससे ज़्यादा का जो फ्लूड होता है हाई विस्कस फ्लूड होता है विस्कोसिटी मतलब क्या देखिए पेट्रोल का आप दो फ्लूड कम्पेयर कीजिए पेट्रोल और अपना जो कोल्टर आता है ये दोनों लिक्विड है ठीक है तो कोल्टर कैसा होता है मोटा और जाड़ा होता है ठीक है और पेट्रोल एकदम पतला और हल्का होता है तो आपका अगर विस्कोसिटी बढ़ता है तो पंप को क्या है उसको पुश करना है तो ही हैज़ टू वर्क मोर और उससे आपको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए तो उससे क्या होता है कि आपका जो शाफ्ट है बैरिंग्स है मैकेनिकल सेल है ये सारे के सारे ऊपर उसका इफेक्ट होता है तो जहाँ पे हाई विस्कस फ्लूड होता है वहाँ पे सेंट्रवल पंप का सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है वहाँ पे ये यूज़ नहीं होता है थर्ड फैक्टर फोर्थ फैक्टर है वो वेपर प्रेशर जैसे सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ये दो जो है वो रिलेटेड है वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर फ्लूड है वो कौन से प्रेशर पर वेपराइज हो जाता है तो अगर आप जो ऐसा कोई लिक्विड यूज़ कर रहे हैं जिसका वेपर प्रेशर बहुत कम है तो क्या होगा जैसे पंप को पुश करता है लिक्विड को तो वो उसका वेपर प्रेशर का जो लेवल है उस तक पहुँच जाएगा तो उससे इमीडिएटली क्या होगा कि जो लिक्व जो लिक्विड है वो ऊपर वेपर में वेपर फॉर्मेशन करेगा जिसको हम कैविटेशन बोलते हैं तो सेम सेम है यहाँ पे अगर आपका प्रेशर कम हो जाता है तब भी वे, 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 अपना कैविटेशन होना स्टार्ट हो जाता है सिमिलरली अगर वेपर प्रेशर भी कम होता है लिक्विड पर्टिकुलर फ्लुइड का जिससे टेम्परेचर बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो उस केस में भी वो पम्प के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है जो लास्ट फैक्टर है वो डेंसिटी तो डेंसिटी का भी ऐसा ही है डेंसिटी मतलब हैवी फ्लूड हो जाता है तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो फ्लूड भी साइंटिफिकल पम्प के साथ बराबर काम नहीं करते उससे क्या होता है कि पंप का जो शाफ्ट है उसमें डिफ्लेक्शन आता है और मैकेनिकल सिल पर उसकी इम्पैक्ट आती है तो ये सारे फैक्टर्स है जो पम्प के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं कभी आपका देखिए कैसा होता है कि सेम फ्लूड है ठीक है सेम पंप है वो विंटर में अलग परफॉर्म करेगा अगर पानी के साथ भी यूज़ करे तो विंटर में उसका परफॉर्मेंस अलग आएगा या समर में परफॉर्मेंस अलग आएगा क्यों क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है जा तो रहा वाटर ही है बट अगर उसका टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है तो उस सीधा सीधा पंप का परफॉर्मेंस पर भी इफ़ेक्ट हो जाता है दिस इज़ ऑल अबाउट सेंटिफिकल पम्प वर्किंग अगर आपको पंप के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं वहाँ पे बहुत सारा फ्री रिसोर्सेस है एज वेल एज पेड कोर्स भी है जो आप आपका नॉलेज इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा सी यू सुन गुड बाय टेक केयर